my YouTube channel Lalp Love Shigur is here. So in today's video I'm going to share you this beautiful Christmas glam makeup look जो मैंने क्रिसमस के थीम से इंस्पायर होके इस लुक को क्रिएट किया. बेसिकली सेंटा क्लॉज आउटफिट इट्स लाइक रेड एंड वाइट एंड जो क्रिसमस ट्री रहता है वो ग्रीन रहता है, तो उसके ही इंस्पायर होके मैंने इस लुक को क्रिएट किया है. बेसिकली आई क्रिएटेड दिस लुक इंस्पायर्ड बाई लाइक होल क्रिसमस थीम, सेंटा क्लॉज क्रिसमस ट्री से इंस्पायर होकर इस लुक को क्रिएट किया. इट लुक्स सो अमेजिंग गाइस, इतनी मस्त लग रही है ना. प्लस दिस लिप कॉम्बो इज माई फेवरेट, इट्स किलिंग इट सो मच. इट्स रियली लाइक ग्लैम लुक है. अगर पार्टी में अगर आप ऐसा वेयर करना चाहती हो इस मेकअप लुक को, तो इट्स लाइक परफेक्ट विद दिस परफेक्ट ग्लॉसी लिप्स. लाइक आई जस्ट लव दिस होल एंटायर लुक बिकॉज इट सूट्स अ रियली फिट लाइक सिंड्रेला. कुछ ही शू होता है वो जो फिट हो जाती है वैसा ही. दिस मेकअप फिट्स फॉर माई क्रिसमस लुक एंड होपफुली आपको भी ये मेकअप लुक पसंद आया होगा विद लाइक थोड़ी ब्लिंक ब्लिंक. लाइक क्रिसमस एंड वेडिंग सीजन और एक साथ है, ऑफकोर्स थोड़ी सी ब्लिंकनेस भी ऐड किया है मैंने जिससे इस लुक को और ज़्यादा एनहेंस हो चुका है. एंड या मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेकआउट कर लेना. एंड दर वेस्टिंग एनी लिटिल एनीथिंग ऑन दिस. हेलो माय क्यूटीज, लेट्स स्टार्ट विद मॉइस्चराइजिंग माय फेस फर्स्ट. तो उसके लिए मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ जो है पॉन्स का लाइट जेल मॉइस्चराइजर. एंड ना इतना हैवीनेस आपका फेस कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इसलिए लाइट प्रोडक्ट भी यूज़ करना चाहिए. प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे पर्पल 24 के गोल्ड प्राइमर यूज़ किया. देन आई एम करेक्टिंग माय फेस विद द हेल्प ऑफ इनसाइड कलर करेक्टर पैलेट एंड दे हैव लाइक ऑल काइंड ऑफ कलर इन जस्ट वन पैलेट. सो गाइस सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं दे दूँगी, सो चेक दिस आउट. एंड देन आई विल ब्लेंड इट विद माई फिंगर्स, बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है. एंड मैंने अंडर आइज में येलो कलर का करेक्टर यूज़ किया है, इससे ना मेरे थोड़े बहुत पिगमेंटेशन अगर हैं अंडर आइज के नीचे तो वो हाइड हो जाते हैं. एंड ग्रीन कलर करेक्टर फॉर पिम्पल्स के मार्क्स वगैरह हाइड करने के लिए एंड माउथ एरिया में पिगमेंटेशन हाइड करने के लिए. देन आई विल यूज़ फेसेस कैनेडा का अल्टीमेट ग्लो कंसीलर. करेक्टिंग योर फेस ऑलवेज अप्लाई अ जेंटल कंसीलर, लाइक अ थिन लेयर ऑफ कंसीलर मस्ट है, क्योंकि इससे ना जो भी एक्स्ट्रा जो कलर होते हैं कंसीलर के करेक्टर वाले तो वो हाइड हो जाएंगे कंसीलर की हेल्प से. एंड इट्स विल लुक मोर लाइक ब्राइट लगता है आपका फेस जहाँ जहाँ पे आपको नीड है हाईलाइट करने की. और जॉ लाइन को शार्प करना है तो ऑफकोर्स लाइक चिक बोन एरिया एंड जॉ लाइन को हम हाईलाइट करेंगे. देन आई एम यूजिंग फाउंडेशन, यहाँ पे मैं मेबेलिन का फाउंडेशन ले रही हूँ इन डॉट डॉट फॉर्म में लगा के. देन मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ वेट ब्यूटी ब्लेंडर. एंड आप देख सकते हो कितना ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है. और ये फाउंडेशन है ना आपके स्किन में एकदम से सूट कर जाता है, लाइक इंडियन स्किन टोन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है. देन लेट्स मेक अ आई लुक. उसके लिए मैं पहले आईब्रो को सेट करूँगी, देन फिल करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्लू हेवन आईब्रो पेंसिल. बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं कि नेवर चूज अ ब्लैक आईब्रो पेंसिल, बट अगर आपका आईब्रो बहुत ही हैवी है तो आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत ही लाइन आपको करना पड़ता है इसलिए. एंड मैंने अच्छे से शेप दे दिया विद द हेल्प ऑफ कंसीलर. एंड थोड़ा सा पाउडर से सेट ऑफ कर लिया मैंने अपने आई लीड को. और यहाँ पे मैं कंटूर कर रही हूँ अपने चबी चीज़ को थोड़ी सी थिन करने के लिए, ज़्यादा नहीं. एंड देन आई विल ब्लेंड विद लाइक ब्रश से. मैं ये ब्रश मैं फेवरेट हो चुका है, ये प्रॉश ब्यूटी का ब्रश है जो मतलब बोलो ना कि हर एक मेकअप स्टेप में इससे ही ब्लेंड कर रही हूँ. जैसे आपने देखा कंसीलर, मैंने कंटूर भी किया इससे ही, देन मैंने पाउडर भी लगा लिया. एंड आप देख सकते हो कितना मस्त से कंटूरिंग का शेप मैंने किया. एंड इट्स लुक्स लाइक पहले से बहुत ही थिनर लग रहा है मेरा फेस. एंड यहाँ दिस हैक वर्क्स. मैं यहाँ पे एक दूसरा हैक ट्राई करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्लश. ये है बेला विटा का टिंट लिप एंड चिक टेंट. मैं बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको मॉइस्चर लगा के मैंने किया तब भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं है. आई डोंट लाइक दिस
लाइक एट ऑल, बट क्या कर सकते हैं, पैसा लगा है तो इसको यूज़ करना ही पड़ता है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा ब्लश एकदम हार्ड हो गया, नहीं निकल रहा या कुछ भी, तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लो एंड देन आप ब्लेंड करो, देखना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड आपका प्रोडक्ट भी बाहर आ जाएगा। आफ्टरवर्ड मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा ब्लेंड किया, बहुत ज़्यादा लग रहा था इसलिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर इनसाइड के उस पाउडर से बेक कर लिया। इसको मॉइस्चर वाटर से मैं एक आई लुक क्रिएट करूँगी, लाइक आई लाइनर, कलरफुल आई लाइनर यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चर वाटर को जस्ट आई शेडो में थोड़ा सा ड्रॉप डाल के देन आप आई लाइनर क्रिएट कर सकते हो। बट ये है, ये जल्दी ड्राई हो जाता है, बट आप बहुत सारे कलर्स के ऐसे बना सकते हो। मैंने देखो, मैंने बना लिया एंड देन मैंने जस्ट ब्लेंड किया विद दी हेल्प ऑफ पीच आई शेडो, जस्ट एक इफेक्ट देने के लिए मैंने ब्लेंड कर लिया। एंड आई विल अप्लाई लाइक थोड़ा सा ग्लिटर इन मिडल ऑफ माई आई, जो गैप है मिडिल में उसमें मैंने ग्लिटर को अप्लाई कर लिया, इट लुक मोर क्लासी। एंड मैंने एक स्टार, ग्रीन स्टार स्टिकर अप्लाई किया, देन वन स्टोन एंड लुक अमेजिंग गाइस। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ग्रीन काजल लिया, ये है ब्लू हेवन का ग्रीन काजल, इसको थोड़ा सा स्मोक आउट किया विद दी हेल्प ऑफ लाइट ग्रीन आई शेडो। फॉल्सेस लगा के मैंने लुक को कंप्लीट कर दिया है गाइस। बस हाइलाइटर छूट गया था तो इसलिए मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। लाइक आपको पता है क्रिसमस के साथ साथ ही लाइक वेडिंग सीजन भी हमारे इंडिया में स्टार्ट हो गया, तो ब्लिंक एंड क्रिसमस में भी ऐसा ब्लिंकनेस होता है लाइटिंग। सो लाइटनेस को इंस्पायर होकर मैंने अपने पूरे फेस में लाइटनेस कर दिया है, एकदम हाईलाइट कर दिया है मैंने अपने पूरे फेस को, चिक बोन एरिया, चिन, फोरहेड, नोज, मैंने बहुत अच्छे से ब्लिंकनेस फैला दिया अपने फेस पे। देन आई विल मेक वेरी सॉफ्ट एंड जूसी ग्लॉसी लिप शेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मैरून शेड लिया है। न्यू ईयर ट्रिक देखा था लिप लाइनिंग करने का, लेकिन मोस्ट ऑफ लिपस्टिक लगाने का, तो वही मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। आफ्टर लिप लाइनिंग मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का जिंजर लिपस्टिक। इट्स अ रियली नाइस एंड ग्लॉसी लिपस्टिक, आपको भी दिख रहा होगा ग्लॉसी। एंड आफ्टरवर्ड 2 मिनट के बाद ये एकदम से मैट फिनिश प्रोवाइड करता है। एंड आई वॉन्ट लुक लाइक ग्लॉसी लिप्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इनसाइड की लिप ग्लॉस ली है इन द शेड फॉरेस्ट, लाइक इट्स अ क्लियर ग्लॉस एंड माय क्रिसमस इंस्पायर्ड लुक इज रेडी। Eve glam makeup look for this Christmas look, like 2023 Christmas makeup look. Hope you enjoy this video. यहाँ तक आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए अपने मन जाना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड लेट्स मेक दिस फैमिली मोर बिगर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कॉजेस, Happy Christmas!